सर्दियों में अच्छी बारिश और बर्फबारी के कारण गुठलीदार फलों में अच्छी फसल थी। भूमि में पर्याप्त नमी होने के कारण फलों का आकार भी आशानुरूप बड़ा था। इससे बागवानों को उम्मीद थी कि मंडी में फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन सतलुज घाटी क्षेत्र में तेज आंधी ने पकने को तैयार पलम को छाड़ दिया। बागवानों का कहना है कि इस तूफान में पलम के पेड़ों में जो बड़े बड़े दाने थे वे भी झड़ गए। उन्होंने बताया कि तूफान के कारण पेड़ों की टहनियां भी काफी टूटी है। इससे बागवानों को अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि टहनियां टूटने से दोबारा पौधे तैयार होने में काफी समय लगता है। प्लम बागवानों ने बताया कि सतलुज तट क्षेत्र, जहां शिमला जिले में सबसे अधिक प्लम पाया जाता है, वहां तूफान ने तबाही मचाई है। रामपुर उपमंडल के दत्तनगर, निरसूर, नीरथ, नोगली, तलाई, राजपुरा, खकरोला, कुमसू के आसपास नुकसान अधिक हुआ है। प्लम बागवान मोहन सिंह ने बताया कि उनके 200 पौधों में से 50 पौधों की टहनियां टूटी है। उनके बगीचे में करीब 500 पेटी का नुकसान तूफान के कारण हुआ है। इसके अलावा जो पौधों की टहनियां टूटी हैं वे अलग है, टहनियों को फिर से बड़े होने में 10 साल लगेंगे। उन्होंने बताया कि नुकसानी को देखने सरकार की ओर से कोई नहीं आया। इस बगीचे में लगभग 200 प्लांट है, इसमें 200 में से लगभग 50 प्लांट टूटे हैं, जिनकी आपने हालत देखी होगी। अभी ये इस तरह की हालत खराब हो रखी है इनकी, एक पेड़ से दो दो तीन तीन टहनियां टूट रखी है। बहुत ज्यादा, कम से कम इस बगीचे में 500 पेटी झड़ी होगी। कम से कम 500 पेटी का मतलब है, आप एवरेज लगाइए, 150 रुपए नंगा ले रहे हैं तो लगभग 75,000 रुपए का लॉस हुआ है खाली तूफान से। पेड़ों की टहनी अलग है, जो कि अब इतनी टहनी तैयार करने में 10 साल लग जाएंगे, वो नुकसान अलग है। परंतु अब क्या करें, यहाँ तो कोई देखने में नहीं आता है, ना कोई कुछ नहीं, कृषि विभाग है, कोई बागवानी विभाग है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जाके देखना तो चाहिए कि भाई लोगों का नुकसान हुआ है, इतना तूफान आया है, क्या नुकसान हुआ है, उसका कुछ ना कुछ सरकार तक उसको पहुँचाए, परंतु किसी को कोई चिंता नहीं है। वहीं अजब सिंह मजदूर ने बताया कि तूफान आने से अच्छा अच्छा दाना पलम के पेड़ों से ड्रॉप हुआ है, जबकि मंडी में इस बार पलम के दाम अच्छे थे। साथ साथ थोड़ा जो तूफान आया उसमें थोड़ा माल जो है, जो अच्छा माल था वो ड्रॉप हो गया, पेड़ भी टूट गए हैं सर, और इसके साथ साथ बाकी अच्छा चल रहा है सर। वहीं बागवान बिहारी सेवगी ने बताया कि तूफान से सतलुज घाटी क्षेत्र काफी नुकसान हुआ है, इससे पलम झड़ गए और टहनियां भी टूट गई है। सतलुज बेसन रामपुर तहसील में जो दत्तनगर पंचायत है, नीरर पंचायत है, यहाँ भारी तूफान आने के कारण जो यहाँ का किसान फलम की फसल पैदा करता है उसको भारी नुकसान हुआ है। 20 से लेकर 25% का नुकसान हुआ है। जो फलदार टहनी थी वो भी टूट गई है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जो इन किसानों को जो फल का नुकसान हुआ, प्लम के फल का नुकसान जो हुआ है, इसका आकलन करके इनको आर्थिक मदद में मुआवजा भुगतान करें, ये हमारी सरकार से अपील है। आदर्श हिमाचल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।